दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में रिसेंटली लॉन्च हुई फायरवॉल्ट की स्मार्ट वॉच टॉक 2 का यहाँ पर जो कि अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू मैं करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वीडियो में पूरा डिटेल रिव्यू मैं देने वाला हूँ, जिससे अगर आप ये स्मार्ट वॉच आगे का भी फ्यूचर जो कि परचेज करोगे तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो को देखकर क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग करने से पहले यहाँ पर मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ इसके बॉक्स की, जो कि यहाँ पर देख सकते हो व्हाइट कलर में यहाँ पर देखने को मिलता है। फायरवॉल्ट टॉक 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग है और यहाँ पर इस स्मार्ट वॉच के बारे में बता रखा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो कि अपने विराट कोहली भाई देखने को मिले उनके सिग्नेचर के साथ में, और यहाँ पर बॉक्स पे इस वॉच के यहाँ पर जो कि फीचर मेंशन कर रखे हैं दोनों साइड ही। और उसके अलावा यहाँ पर लास्ट में देख सकते हो तो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई, इसके फीचर्स वगैरह और यहाँ पर कैसी है ये सारी चीज़ें, इसमें क्या क्या मिलता है वो सब यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। लेकिन बात कर लेते हैं अब इसकी एक्चुअल प्राइस की, जो कि यहाँ पर देख सकते हो 999। ये मेरे को क्या पड़ा मैं यहाँ पर आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों अनबॉक्सिंग करने के लिए यहाँ पर इसके ऊपर एक थैली का रेफर है, उसको यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा। जैसे ही इसको पूरा हटा दे तो यहाँ पर अब बॉक्स यहाँ पर पूरी तरीके से अपने सामने आ चुका है, ठीक है। चलिए मैं अब इसकी प्रॉपर्ली अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, देखता हूँ बॉक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे ही मैं अनबॉक्स करता हूँ प्रॉपर्ली, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है जो कि एक रेफर में कुछ कवर है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या इस बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने जस्ट ओपन ही किया है, डैमेज आया, पता नहीं क्या है यहाँ पर, ये मतलब पैकिंग करके देते हैं या फिर बॉक्स करके देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका यूजर मैनुअल देखने को मिलता है जो कि इतना लेंथ ही भाई इसको कौन पढ़ेगा, ठीक है। चल रद्दी हट बगल में। उसके बाद अब यहाँ पर देख सकते हो एक यहाँ पर इसका जो चार्जर देखने को मिलता है, चार्जिंग केबल जो कि मैग्नेटिक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो वो भी यहाँ पर जो कि प्रॉपरली वर्क करेगा कि नहीं देख सकते, और जो कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा लेंथ ही नहीं है, मतलब इतनी कुछ लेंथ ही है, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मजबूत है, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी सही है, ठीक है। उसके अलावा बॉक्स के अंदर कुछ कार्ड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर इसको प्रमोट करने के लिए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीज़ें हैं, गाना, पता नहीं किस किस के G5s और यहाँ पर फायरवॉल्ट के बारे में, जो कि यहाँ पर स्कैन करके आपको यूज़ करने होते, ठीक है। तो चलो इनको छोटो बगल में रखते हैं, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो कि फायरवॉल्ट जो कि टॉक 2 यहाँ पर स्मार्ट वॉच की, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर से जो कि डिस्प्ले पे एक प्रोटेक्शन लगा हुआ है उसको यहाँ पर मैं हटा लेता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसकी डिस्प्ले देखने को मिलती है, काफ़ी क्लियर है, ठीक है। बेजल्स वगैरह वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर पीछे की साइड कुछ सेंसर्स वगैरह है, उसके ऊपर भी एक रेफर लगा होता है, उसको भी यहाँ पर मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसके फुल रिव्यू की, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको कुछ दिन यूज़ करने के बाद में बताऊंगा। और सारे स्टिकर हटाने के बाद में कुछ यहाँ पर जो कि डिस्प्ले देख सकते हो काफ़ी शार्प है, ठीक है। यहाँ पर अपना चेहरा आप देख सकते हो लेकिन पता नहीं ब्लैक दिखेगा शायद, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ बॉक्स की, तो बॉक्स के ऊपर अपने विराट कोहली भाई देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर स्मार्ट वॉच की डिस्प्ले पे भी अपने विराट कोहली भाई देखने को मिलते हैं कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे स्टिकर को हटाता हूँ, अरे भाई यहाँ पर विराट कोहली भाई यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब बात कर लेता हूँ हमें प्रॉपर्ली इस स्मार्ट वॉच की। यहाँ पर सर्कल शेप में अपन को ये देखने को मिलती है, इसमें दो नेविगेशन बटन दिए गए हैं। बात करता हूँ इसके फ्रेम की, तो फ्रेंड्स मेटल केस में आती है जिसकी वजह से थोड़ी थिक भी लगती है क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। उसके अलावा बात करते हैं इसमें 22mm के जो कि स्ट्रैप दिए गए हैं जो कि सिलिकॉन के हैं, जो कि अपनी स्किन फ्रेंडली है, यानी कि काफ़ी सॉफ्ट फील कराते हैं। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रैप की, तो फ्रेंड्स इसमें लॉक दिया है जिनको आप अनलॉक करके इनको चेंज भी कर सकते हो, और जैसे ही आप इसको हाथ में पहनते हो तो थोड़ा वेटी फील कराती है क्योंकि पर जो कि 59 ग्राम की होती है। उसके अलावा इसमें काफी कलर्स अवेलेबल है जो कि ब्लैक, नेवी ब्लू, सिल्वर ग्रीन, सिल्वर ग्रे, सिल्वर पिंक, ऐसा कुछ, ठीक है। और मैं बात करता हूं इसके फिजिकल ओवरव्यू की, सबसे पहले अपन को एक डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 1.28 इंच की यहां पर TFT LCD टच स्क्रीन है, जिसका रेजोल्यूशन मैं बात करूं तो यहां पर 240x240 पिक्सल है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं प्रॉपर्ली और भी डिस्प्ले की, तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हो जो कि इसके बेजल है वो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहां पर जो इसके चिन्ह है, अगर मैं उनकी बात करता हूं तो देख सकते हो ऊपर की साइड थोड़ा चिन्ह कम है, लेकिन नीचे की साइड देखते हो तो वो चिन्ह थोड़ा ज्यादा है, मतलब इसकी जो डिस्प्ले वो प्रॉपर्ली सेंटर में नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर और भी चीजों की, तो यहां पर जो कि राइट साइड में यहां पर दो बटन दिए गए हैं जो कि यहां पर एक इसकी डिस्प्ले ऑन ऑफ करने के लिए, और जो सेकेंडरी यहां पर बटन है वो यहां पर काम आता है यहां पर इसके स्पोर्ट्स मोड को दिखाने के लिए, ठीक है। यहां पर कौन कौन से इसमें स्पोर्ट मोड है, जो कि इसमें 60 स्पोर्ट्स मोड है, ठीक है। और यहां पर आपको 15-20 तो यहां पर डिस्प्ले पे शो रहे हैं, प्लस के मार पे आप क्लिक करके यहां पर और भी स्पोर्ट्स मोड को ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहां पर जो पहला बटन है उस पर आप क्लिक करके इसके होम स्क्रीन पर रिटर्न आ जाते हो, ठीक है। अब बात करते हैं और भी होगी, तो यहां पर बैक में जा रहा हूं, तो यहां पर इसमें पॉली कार्बोनेट का यहां पर जो कि बैक देखने को मिलता है। उसके अलावा यहां पर इसके सेंसर से यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि यहां पर अपनी हार्ट रेट वगैरह उन सब के लिए काम में आते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा यहां पर ऊपर की साइड जो कि यहां पर दो पॉइंट देखने को मिलते हैं जो कि चार्जिंग पॉइंट है एक तरीके से। अब मैं बात करता हूं इसके जो कि राइट साइड की और भी, तो यहां पर आपको एक माइक देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करता हूं लेफ्ट साइड की, तो वहां पर इसके स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और एक जो एक तरीके से एक होल यहां पर भी देखने को मिल जाता है, ये शायद मतलब वाटर प्रूफ के लिए या फिर
माइक के लिए हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करता हूँ अब इसकी ब्राइटनेस की, तो यहाँ पर इंडोर आपको थोड़ा अच्छा देखने मिलता है क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले इसकी काफी ब्राइट है, लेकिन बात करते हैं यहाँ पर बाहर की यानी कि आउटडोर की, तो वहां पर आपको थोड़ा इसमें कमी देखने मिलता है क्योंकि ब्राइटनेस की काफी ज्यादा हाई नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसके सारे फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को डिस्प्ले देखने मिलती है, ऊपर की साइड यहाँ पर नेविगेशन टॉगल देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे मोड्स है जिनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर और भी चीजों की, तो नीचे की साइड जहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर आपको जितने भी नोटिफिकेशन है मैसेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जिनको आप क्लियर कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और कुछ वाइब्रेट फीट होता है जब भी आप क्लियर करते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जैसे आप इनको स्क्रॉल करते हो तो सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलता है क्या क्या चीज है, तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले स्टेप्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर आपने कितनी काउंटिंग की है, कैलोरीज वगैरह, साथ में डिस्टेंस वगैरह और कितना, मतलब सारा डाटा यहाँ पर आपने आपको देखने को मिल जाता है जो कि कुछ 7 डेज का। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है, मतलब काफी चीजों में काफी चीजें नहीं दिखाई जाती काफी स्मार्ट वॉचों में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो कि सेकेंडरी वाला जो ऑप्शन है वो है स्लीप का, यानी कि आपकी जो जितनी भी आप सोते हो मतलब अच्छे से सो रहे हो नहीं सो रहे हो वो मतलब सारी चीजें यहाँ पर आपको कवर करके बताता है 24 आवर्स के बारे में। और यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो, गोल वगैरह यहाँ पर आपने जो सेट कर लेते हो आप 8 आवर ली, तो यहाँ पर सारी चीजें बताई जाती है। ठीक है, 7 डेज का यहाँ पर भी सारा डाटा आपको बताया जाता है, और यहाँ पर मैं इसको पहन के सोया नहीं तो इसलिए डाटा यहाँ पर दिखा नहीं रहा, लेकिन एक्यूरेट थोड़ा अच्छा दिखाता है स्लीप का, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, स्टेप्स का तो मतलब थोड़ा मतलब ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, कभी 30-40 स्टेप ज़्यादा दिखा देगा, कभी कम दिखा देगा, वो ऊपर नीचे होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर यहाँ पर जो कि स्पोर्ट्स के है, जो कि यहाँ पर मैंने बताया 60 स्पोर्ट्स मोड यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। अब ये मतलब नहीं, मतलब कबड्डी वाला है ये कैसे यूज़ होता होगा क्योंकि यहाँ पर ना तो स्टेप चल रही होती ना इधर उधर। ठीक है, लेकिन भैया आप इनको बस क्लिक करो और यहाँ पर जो कि इसमें टाइमर आएगा और यहाँ पर एक तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सारा बताया जाएगा कितना कैलोरी बर्न हो रहा है, क्या मतलब आपका जो चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, हार्ट रेट वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनको आप स्टॉप भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलिए इसको स्टॉप कर लेता हूँ, बैक आ जाता हूँ। ठीक है, अब सेकंड विजिट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हेल्थ देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर 73 पल्स मेरी यहाँ पर बताई गई है, SPO2 यहाँ पर 97 बता रही है, एक्यूरेट है नहीं वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ में। यहाँ पर उसके अलावा नेक्स्ट है जो कि फोन, यानी पर यहाँ पर आप अपनी ब्लूटूथ कॉलिंग के फीचर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 3 ऑप्शन है, डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, अभी फोन से कनेक्ट नहीं है इसलिए फोन से मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। फिर उसके अलावा यहाँ पर आपको म्यूजिक प्लेयर देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर आप अपना म्यूजिक जो कि यूज़ कर सकते हैं यहीं से, मतलब उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट है जो कि वेदर, यहाँ पर सारा आपको वेदर के बारे में बताया जा रहा है। उससे अगला है यहाँ पर शटर जो कि यहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन में फोटो क्लिक कर सकते हो यहाँ पर टैप करके। ठीक है, और यहाँ पर AI वॉइस का यहाँ पर फीचर देखने को मिल जाता है, ये काफ़ी मतलब एडवांस फीचर जो कि हर स्मार्ट वॉच में जल्दी से देखने को नहीं मिलता जो कि इस प्राइस पॉइंट पर। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर ब्रीथ इनहेलर का भी यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है। तो चलो, कनेक्ट करने के लिए अपने स्मार्टफोन से आपके स्मार्टफोन में द फिट ऐप होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको इसने मतलब आप ऐप में जाते हो तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने मिल जाता है इस ऐप का, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है ऐड डिवाइस। ठीक है, तो इसको आपको ऐड करने के लिए आपके स्मार्टफोन का ब्लूटूथ भी ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐड डिवाइस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सर्च करने लग जाता है यहाँ पर ऐसी कोई मतलब वॉच है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये अपने इस स्मार्ट वॉच है जो कि जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आपको इससे ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करना पड़ता है जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे पेयर किया और यहाँ पर एक वाइब्रेट फील हुआ मेरे को अपने इस वॉच में। ठीक है, वो यहाँ पर आपको फील होगा और यहाँ पर सारी चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है। ठीक है, तो अब अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट हो चुकी है अपनी ये स्मार्ट वॉच। चलो मैं अब इस ऐप के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई गई जो उस स्मार्ट वॉच में दिख रही थी। यहाँ पर स्टेप्स के बारे में, स्लीप्स यहाँ पर आपको बता रहा है, हार्ट रेट वगैरह, ठीक है, ब्लड ऑक्सीजन वगैरह यहाँ पर आपको बता देगा। ठीक है, और यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स मोड और यहाँ पर जो और भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड जो चाहते हो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नीचे ऑप्शन में है जिसपे आपको क्लिक करना होता है, जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, कौन सा ही मॉडल है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कितना परसेंटेज बैटरी चार्ज है, बैटरी के बारे में आपको मैं बताऊँगा लास्ट में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर वॉच फेसेस यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना वॉच फेसेस कोई सा भी सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तुरंत से अपने स्मार्टफोन में लग भी स्मार्ट वॉच में लग भी जाता है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हो तुरंत से चेंज होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे आप टैप करते हो तुरंत से यहाँ पर आपको अपने स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पर एक जो थर्ड नंबर पर है वो कस्टमाइजेबल है जिसको आप यहाँ पर अपना अपने स्मार्ट वॉच में जो कि यहाँ पर अपना फेस यानी कि अपना फोटोज वगैरह इमेजेस वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, तो ये एडिट करना होता कुछ नहीं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैं जाता हूँ अगले ऑप्शन में जो कि नोटिफिकेशन का है, तो यहाँ पर आप जैसे इसमें जाते हो तो यहाँ पर नोटिफिकेशन यहाँ पर जो कि अपने आप से सारे अनेबल है, क्योंकि मैं कहूँगा कि सारे अनेबल
केबल मत रखो, जितना ज़रूरत है उतनी ही रखो, जैसे फ़ोन का रख लिया या फिर मतलब मैसेज का रख लिया ऐसा कुछ, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह इंस्टा वगैरह इनके ऑफ ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मतलब आपकी बैटरी को काफ़ी कंज्यूम करेंगे और इसकी वजह से आपकी जो इसकी स्मार्ट वॉच की जो बैटरी है वो काफ़ी लो हो जाएगी, ठीक है, तो इन सबको आप डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो कि बैक में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर उसके अलावा थर्ड नंबर पर है जो कि अलार्म, यहाँ से आप अपनी अलार्म्स वगैरह उनको सेट कर सकते हो, जो कि अपने स्मार्ट वॉच में भी है ये ऑप्शन, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आप उनको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, कस्टमाइज़ आपको इस ऐप्स के थ्रू ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर जो कि शटर का ऑप्शन, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो शटर है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है अपने स्मार्ट वॉच में, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर शटर अपने सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है, बस मेरे को यहाँ पर टैप करना पड़ेगा स्मार्ट वॉच में। जैसे ही मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर ये एक तरीके से अपना जो फ़ोन है वो अपना फोटो क्लिक कर लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर टाइमर नहीं लगाता, एंड्रॉइड में थोड़ा टाइमर लगाता है, ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को, ठीक है। अब मैं बैग जा रहा हूँ, बैग जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फेवरेट कॉन्टैक्ट्स है जो कि यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर उसके बारे में भी आपको एक बार एक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेस देते हो और यहाँ पर ऐड क्विक न्यूज़ लेटर, इसमें आपको क्लिक करना होता है और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें आप जो कि अपने 8 फेवरेट कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी, आपको कितने सेलेक्ट करने, मतलब कौन कौन से सेलेक्ट करने होते, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और भी यहाँ पर ऑप्शन है जो कि यहाँ पर अदर्स का, तो उस पर आप जाकर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते, ठीक है। एक तो पहला है फाइंड डिवाइस का, जिसमें आप क्लिक करते हो तो आपकी जो स्मार्ट वॉच है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, और इसमें एक तरीके से साउंड यहाँ पर मतलब आता है जो कि आपको पता चल जाता है कि आपकी स्मार्ट वॉच कहाँ रखी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको टाइम फॉर्मेट है जो कि यहाँ पर आप उसका एडजस्ट कर सकते हो, रिमाइंडर टू मूव जो कि यहाँ पर आप इनको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो कि हार्ट रेट, यहाँ पर सारी चीज़ें मतलब मेंशन है जो कि आप चाहो तो कितनी कितनी देर में वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, इसको अगर आप चाहो तो 5 सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा रखो तो 30 मिनट, क्योंकि आपकी बैटरी को कंज्यूम करेगा अगर आप 5-5 मिनट का ऑन रखोगे तो, ठीक है, और बाद बाकी ऑफ चाहो तो ऑफ भी आप रख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर अपनी जो कि स्मार्ट वॉच में ही टोंगल में ही काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाते हैं अपन को, ठीक है, लेकिन यहाँ पर और भी ज़्यादा हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस वगैरह हैं, UI फॉर्मेट यहाँ पर ऑटो लॉक का, तो इनको भी आप अनेबल कर सकते हो, इसको आप चाहो तो जितना हो सके उतना कम ही रखिएगा 5 मिनट का, जिससे बैटरी आपकी यहाँ पर भी कंज्यूम ना हो, ठीक है। अगर आप इसे 30 सेकंड रखोगे तो आपकी 30 सेकंड तक बैटरी मतलब डिस्प्ले ऑन रहेगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं रिसेट वगैरह का ऑप्शन है, क्योंकि व्यू में यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, ठीक है। ड्रिंक वाटर रिमाइंडर है, तो यहाँ पर अगर आप पानी कम पीते हो, पानी पर ध्यान नहीं देते, तो इसको ऑन कर सकते हो। वेदर के बारे में यहाँ पर आपको बता ही रखा है, जो कि यहाँ पर आप इनको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर साइकोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर, ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर है, ठीक है, जो कि फीमेल्स के लिए होते हैं। बैग में जाता हूँ, ठीक है, बैग में जाने के बाद यहाँ पर आपको और भी चीज़ें यहाँ पर देखने मिल जाती है, जो कि पर अपग्रेड वगैरह, यानी कि इसके अपडेट वगैरह आते, तो यहाँ पर आप इसे कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो कि थर्ड नंबर पर ऑप्शन है, अगर आप उसमें जाते हो तो वहाँ पर भी आपको चीज़ें बताई गई, इसके प्रोफाइल्स के बारे में, सॉरी साथ में यहाँ पर गोल्स के बारे में, जितना आप गोल सेलेक्ट कर सकते हो, कितना आप मतलब डेली स्टेप चलते हो, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर हेल्थ, तो यहाँ पर हेल्थ में जो कि गूगल हेल्थ की जो ऐप्स होती है उसमें आपको ज़्यादा मतलब चीज़ें मतलब एक्यूरेट डाटा है वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है, और अबाउट में इसके बारे में सारा कुछ बता रहेगा, ठीक है, जो कि ऐप्स वगैरह के बारे में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके टोंगल्स के, यानी कि फीचर्स के बारे में स्मार्ट वॉच के, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक फाइंड डिवाइस का ऑप्शन है, जिस पर आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड फोन का ऑप्शन है, यानी कि अगर आप अपने स्मार्टफोन को कहीं रख के भूल गए हो और मिल नहीं रहा है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे टैप करना है और इस तरीके से साउंड आता है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो स्मार्ट वॉच है उसमें से एक तरीके से साउंड निकलता है वाइब्रेशन के साथ में, ठीक है, जो वाइब्रेशन ऑन है। सेकंड नंबर पे जो कि थिएटर मोड है, जो कि आपकी जो अगर आप थिएटर वगैरह मूवी देखने जाते हो, तो यानी कि D&D ऑप्शन जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर आपका अनेबल हो जाता है, जिससे ब्राइटनेस वगैरह कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड नंबर पे टॉर्च है, जिससे आपकी जो मतलब आप नाइट में हो बिल्कुल अंधेरे में, तो ये टॉर्च थोड़ा बहुत उजाला करती है, ठीक है। उसके यहाँ पर वाइब्रेशन वगैरह है, ये ऑप्शन आप इनको ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ब्राइटनेस का ऑप्शन है, जो कि इसकी ब्राइटनेस आपको काफ़ी मतलब तेज मिलती है, ऐसा नहीं बहुत लो है, ठीक है, काफ़ी हाई है, एक तरीके से बैटरी के हिसाब से ठीक ठाक है, ठीक है, और इनको आप लो मतलब ज़्यादा कर सकते हो से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो कि सेटिंग का ऑप्शन है, उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको और भी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। स्टॉप वॉच का डायरेक्टली जो कि मतलब नोटिफिकेशन में होने चाहिए, स्टॉप वॉच आपको पता जरूरत पड़ती है तो स्टॉप वॉच आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। अलार्म है, जो कि यहाँ पर यहाँ से मैंने बोला था फोन से आपको चेंज करना होता, कस्टमाइज करना होता, लेकिन यहाँ से आप उनको अनेबल कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर और भी है, टाइमर है जो कि यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बैक करते हो तो यहाँ पर मेन्यू व्यू, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिस्ट पे है, इसे ग्रिड व्यू कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्टली इन इस बटन से 2 बार क्लिक करके, ठीक है, जो कि वहीं पे साथ में ब्राइटनेस का ऑप्शन यहीं से है, ठीक है, जो कि आपको वहीं पे मिल जा रहा है डायरेक्टली। वाइब्रेशन ऑन ऑफ का जो कि मिल ही रहा था टोंगल में, थिएटर मोड ऑन यानी कि D&D वाला था, रिसेट का था और पावर ऑफ का और अबाउट का, ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है।
तो चलो बैक जा रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ इसके मेन्यू की, जो कि यहाँ पर इसके होम स्क्रीन पर अगर आप क्लिक करते हो, स्वाइप लेफ्ट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके सारे ऑप्शन आ जाते हैं इसका मेन्यू, ठीक है, जैसे कि फोन, स्लीप, हार्ट रेट वगैरह, इसमें ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि सिंपल सी बात है वो टोंगल का था, ये डायरेक्टली इसका प्रॉपरली मेन्यू, ठीक है, स्टेप्स वगैरह, ट्रेनिंग, ठीक है, एसपोटू, AI वॉइस वगैरह, वेदर वगैरह, ठीक है, शटर प्लेयर, वो मतलब काफ़ी सारे गेम्स वगैरह भी थे, ठीक है, जो कि यहाँ पर गेम भी आपको मिल जाता है यंग ब्रेड का, ठीक है, जिसमें आप ऐसे टैप करके प्ले करके खेल सकते हो, ठीक है, और गेम मतलब काफ़ी स्मूथली चलता है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन भाई वही है, मतलब इसको खेलने में टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई तुरंत से आप इसमें मतलब तुरंत से रिकॉर्ड बना लोगे, ठीक है, और टैप मतलब आपको टाइम नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो भाई मरने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, और मैं मतलब इतना गेम अच्छा नहीं खेलता, ठीक है, तो चलो ये वाला खासकर, और ये कोर है 2048 गेम, ठीक है, तो ये पता नहीं समझ नहीं आया, ठीक है, और इसमें सेटिंग्स वगैरह वही वाली जो टोंगल में ऊपर आ रही थी वो वाली सेटिंग्स यहाँ पर आपको डायरेक्टली मिल जा रही, ठीक है, तो ये मेन्यू, अब इसको अपन चेंज करना है, अभी ये लिस्ट में आ रहा है, तो इसको ग्रिड करने के लिए आपको बस ऐसे डबल टैप करना है इसको, सॉरी जो फर्स्ट बटन है उसको, आप देख सकते हो का जो इंटरफेस वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है, जहाँ से आप स्क्रॉल करके ऐसे मतलब कोई अगर आपको कोई भी ऑप्शन चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, उस पर टैप कर देना है, या जैसे आप टैप करते हो वो अपने आप से नीचे आ जाता है और उस पर लो आ जाता है, ठीक है, तो जैसे आप इस पर टैप करते हो तो वो ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो कि इसकी कनेक्टिंग की, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पहले मेरा फोन कनेक्ट नहीं था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ अगर मेरे स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट करा, ठीक है, जो कि कनेक्ट है लेकिन यहाँ पर दिखा नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर ये डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है अभी, तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने जो ही सेटिंग्स में जाना है वही ब्लूटूथ में, और ब्लूटूथ में जाकर आपको इसको प्रॉपर्ली कनेक्ट कर लेना, ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्ली जा रहा हूँ क्योंकि ये आपका जस्ट अभी कनेक्ट हुआ था नॉर्मली, ठीक है, लिस्ट देखने को मिलती है, तो अपना जो पहले से स्मार्ट वॉच था जो कि कनेक्टेड दिखा रहा है ये रहा, ठीक है, और यही आपको नीचे की साइड और देखने मिल रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ये अपने जो स्मार्ट वॉच है उसका मॉडल नेम है, ठीक है, तो आपको इस पर टैप कर देना है, जैसे आप टैप करते हो तो ये प्रॉपर्ली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे से हट चुका है वो, ठीक है, अब कनेक्ट हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ अगर उसी ऐप में प्रॉपर्ली द फिट में, तो यहाँ पर आप देखोगे वो कनेक्ट दिखाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर तो कनेक्ट ऑलरेडी दिखा रहा था लेकिन अब यहाँ पर अपनी स्मार्ट वॉच में प्रॉपर्ली कनेक्ट दिखाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता हूँ जैसी, और मैं जा रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर अब वो डिस्कनेक्टेड वाला ऑप्शन हट चुका है, तो रिसेंटली यहाँ पर कॉलिंग वगैरह का ऑप्शन है, डायल पैड में आप कॉल कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर कॉल लगा लेता हूँ एक नॉर्मली, ठीक है, और जैसे मैं कॉल करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल अपनी लगना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर कॉल लग चुकी है, ठीक है, यहाँ पर आवाज़ आ रही है प्रॉपर्ली, जियो को कॉल लग चुका है, नंबर मेरा जियो का है, यहाँ पर आपको सारा कुछ बताया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अपना कॉल लग चुका है, और यहीं से आप चाहो तो इसे मतलब लाउड मोड पे ऑन कर सकते हो, ठीक है, अपने स्मार्टफोन से, तो यहाँ पर देख सकते हो अभी मेरे कॉल पे डायरेक्टली हो चुका, ठीक है, स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच से हटके डायरेक्टली यहाँ पे आ चुका, ठीक है, अब मैं कान पे लगाऊँ फोन तो मेरे मतलब इस वाले स्पीकर में आवाज़ आ रही, ठीक है, और इसको रिटर्न करने के लिए आपको बस इस पर टैप करना है, डायरेक्टली आपकी कॉल इस पर रिटर्न कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, तो ये कुछ इसको बैक कर लेता हूँ कॉल को काट के, ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो रिसेंटली जो हिस्ट्री है वो भी यहाँ पर सेव हो जाती, ठीक है, तो चलो ये सारी हिस्ट्री यहाँ पर आ गई, ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो कि कॉन्टैक्ट्स की, जो कि मैंने बताया था कि आप यहाँ पर कुछ आर्ड फेवरेट कॉन्टैक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो भाई आवाज कैसी आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है भाई, कोई नॉइज नहीं है एक तरीके से, मतलब जैसे मैं ऐसा फील हो रहा है तेरे को कि मैं फोन से बात कर रहा हूँ या फिर किसी और चीज से? नहीं नहीं बिल्कुल साफ आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो दरअसल मैं ये क्या है, एक स्मार्ट वॉच से बात कर रहा हूँ, तो बस वही कंफर्म करना था कि इससे वॉइस कितनी क्लियर जाती है कि नहीं। अच्छा चल ठीक भाई, बाद में बात करते हैं। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर, जो कि पहले डिस्कनेक्टेड था वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर आप अपना म्यूजिक प्लेयर यहीं से मतलब कस्टमाइज यानी कि मैनेज कर सकते हो, ठीक है, जैसे ही टैप करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पर जो आपका म्यूजिक प्लेयर ऐड है उसमें मतलब सॉन्ग चलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो मेरे इस आईफोन में कोई म्यूजिक है नहीं इसलिए, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर वेदर वगैरह आ ही रहा है, शटर मैंने आपको बताया था ये फीचर तो पहले ही आ रहा था, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं और चीज़ों की भी, तो यहाँ पर AI वॉइस, यहाँ पर आपको जस्ट सिंपली टैप करना है और यहाँ पर सर्च करना है हु इज़ MS धोनी। Mahendra Singh Dhoni is an Indian professional cricketer who was captain of the Indian national cricket team in limited overs format from 2007 to 2017 and in test cricket from 2008 to 2014. Want to hear more? But-
बस काफ़ी भैया, इतना ही बता दिया, वही बहुत है। ठीक है, यहाँ पर जो कि ब्रीथ वाला ऑप्शन है जो कि स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है, तो इसमें इनहेल के लिए बताया, जैसे ही आप इनहेल के लिए बोलता है तो आपको इनहेल करना है, फिर एक्सहेल यानी कि आपको सांस छोड़नी है। तो अब मैं इसके यूआई की बात करता हूँ, तो जो कि यहाँ पर बिल्कुल मक्खन माफिक जो कि स्मूथली वर्क करता है। ठीक है, जैसे आप इसे स्क्रॉल करते हो तो काफ़ी फास्टली वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ पर जब अगर वाइब्रेशन ऑन हो तो फिर यहाँ पर वाइब्रेट के साथ में यहाँ पर जो कि वर्क करता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से थोड़ा बहुत वाइब्रेशन फील होता है जो कि मतलब बैटरी को कंज्यूम करेगा, तो ये आप जस्ट इसको ऑफ रख सकते हो। यहाँ पर मैं SPO2 सेंसर की जो बात कर रहा था कि इसमें रेड सेंसर देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर मैं रीडिंग पे क्लिक कर देता हूँ और जस्ट मैं अपना हाथ लगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग नहीं लेता है बिना हाथ लगाए। ठीक है, तो देख सकते हो दो तो मतलब यहाँ पर जो कि ग्रीन है और ये बीच वाला भी ग्रीन ही है जो कि रेड होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि SPO2 के लिए रेड सेंसर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर SPO2 इसी वजह से यहाँ पर ये प्रॉपरली रीडिंग नहीं देता है। यहाँ पर जो इसके सेंसर वो प्रॉपरली वर्क करते हैं कि नहीं, तो वो भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जो कि मेरे फोन का जो SPO2 यहाँ पर जो कि स्मार्ट वॉच चेक कर रहे हैं। ठीक है, जो कि मेरा हाथ भी नहीं है, तो यहाँ पर मेरे फोन का जो एक तरीके से सांस चलेगी नहीं, कितनी ऑक्सीजन ले रहा है वो यहाँ पर आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो रीडिंग चल रही है, यानी कि फ्लैट सरफेस पे ये वर्क प्रॉपरली वॉच वर्क नहीं करते। ठीक है, एयर में मतलब बता देते कि हाँ इसको रीवॉच करिएगा। ठीक है, तो 98% यहाँ पर SPO2 आ रहा है मेरे फोन का। अब मैं आपको इसकी SPO2 की एक्यूरेसी भी चेक करा देता हूँ प्रॉब से, तो जो कि यहाँ पर देख सकते हो स्मार्ट वॉच तो अभी रीड कर रही है लेकिन प्रॉब ने यहाँ पर जो कि रीड कर भी लिया है, तो यहाँ पर मेरी SPO2 आ रहा है 98, 99। ठीक है, जो कि काफ़ी एक्यूरेट है, सही है, लेकिन यहाँ पर मेरी जो कि SPO2 आप देख सकते हो स्मार्ट वॉच में 96% दिखा रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर एक्यूरेट नहीं है, सही नहीं, गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर इस स्मार्ट वॉच में जो कि एक रेड सेंसर होता है जो कि SPO2 का, वो इसके अंदर नहीं है। उसके अलावा मेरे फोन की जो कि यहाँ पर पल्स रेट भी यहाँ पर ये बता देगा, जो कि देख सकते हो हार्ट रेट, उसकी रीडिंग भी यहाँ पर ये ले रहा है। ठीक है, फ्लैट सर्फेस पर रखी हुई है वॉच, तब भी यहाँ पर जो कि वर्क कर रही है। ठीक है, रीवॉच वगैरह कुछ नहीं बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि हार्ट रेट भी यहाँ पर मेरे फोन की ये बता देगा कि मेरा जो स्मार्टफोन है उसकी धड़कने क्या चल रही है। तो भाई इसकी धड़कने तो बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, 180, 188, यानी कि इसको बुखार है भाई, क्योंकि 72 तो नॉर्मल ही रहती है भाई, इसको बुखार है, दिखाना पड़ेगा मेरे फोन को, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और मैं इसको हटा देता हूँ, तो जो कि एक सेंसर है जो कि वर्क कर रहा है अभी भी। ठीक है, और ये पता नहीं चल रहा कि SPO2 अगेन नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने हटाया तो यहाँ पर लिखा आ गया कि प्लीज रीवेयरिंग। यहाँ पर मैं आपको इसकी पल्स रेट की एक्यूरेसी चेक करा देता हूँ, तो यहाँ पर मेरी जो पल्स आ रही है वो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी आती है। ठीक है, और फिर यहाँ पर देख सकते हो स्मार्ट वॉच में कितनी आई वो सब देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो पल्स रेट मेरी आ रही है कुछ 64। ठीक है, और यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर स्मार्ट वॉच में भी कुछ 63, 64, यानी कि मतलब पल्स में आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी 70 के आसपास भी जा रही है, 71। ठीक है, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, तो पल्स की एक्यूरेसी तो चलो ठीक है अब, और इसमें कहीं पर भी कोई लैग देखने को नहीं मिलता। ठीक है, सब चीज़ काफ़ी फास्टली वर्क करती है, कहीं पर भी मतलब ऐसे नहीं कि स्लो वर्क करता हो। ठीक है, सब चीज़ काफ़ी फास्ट चलती है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है, इतना अच्छा टच रेस्पॉन्स आपको जो कि काफ़ी महंगी महंगी स्मार्ट वॉचेज में देखने को मिलता है। ठीक है, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से वर्क करती हैं। इसकी आपको ऑडियो क्वालिटी भी सुना देता हूँ। ठीक है, तो काफ़ी लाउड है, मतलब नॉर्मली छोटे फोन्स रहते हैं ना, मतलब जो सस्ते वाले, उनके बराबर ही है सब। ठीक है, जो कि मैं और भी नजदीक से सुना देता हूँ। काफी लाउड आती है। ठीक है, फोन से नहीं आ रही, फोन मैंने दूर कर लिया, आप सोचो भाई फोन से आ रही हो। ठीक है, काफी लाउड आती है। ठीक है, और इसको मैंने यहां से बंद भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी मतलब लाउड साउंड देखने को मिल जाती है। और अब मैं बात कर लेता हूँ इसके बैटरी इंडिकेटर की, तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी बुरी लगी, क्योंकि यहाँ पर वो परसेंटेज आपको कहीं नहीं बताई जाती। ठीक है, तो देख सकते हो बैटरी यहाँ पर बता रहा है लेकिन बैटरी का परसेंटेज यहाँ पर नहीं दिखा रहा। चलो मैं इसके और भी अंदर चला जाता हूँ सेटिंग्स वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अबाउट में भी, तो वहाँ पर भी आपको इसके बैटरी के बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर भी आपको परसेंटेज नहीं दिखा रहा कि कितना परसेंटेज बैटरी चार्ज है। ठीक है, आपको इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने स्मार्टफोन में ही जाना पड़ेगा और द फिट ऐप में यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें जाओगे आप तब जाके यहाँ पर आपको इसका परसेंटेज पता चलेगा कि ये कितना परसेंट चार्ज है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसकी चार्जिंग की, तो यहाँ पर ये कैसे चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इसका मैग्नेटिक जो कि वायर है वो वर्क करता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही मतलब उसको पावर बैंक से कनेक्ट करना है और यहाँ पर ऐसे लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये चार्जिंग मतलब स्टार्ट हो चुकी है चार्ज होना, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर भी बुरी है, यहाँ पर आपको इसका परसेंटेज नहीं बताया जाता कि मतलब कितना परसेंट चार्ज हो रही है। ठीक है, और चार्जिंग के टाइम पर आपको इसको यूज़ भी नहीं कर सकते, और जब ये चार्ज होती है तो यहाँ पर आपको जो कि फोन में भी नहीं बताया जाता कि कितना परसेंटेज चार्ज हो चुकी है। ठीक है, और जहाँ पर मैं बात करता हूँ इसकी,
होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको परसेंटेज भी नहीं बताए जाएंगे, आपको बस वेट करना पड़ेगा कि कब जाके फुल होगी, ठीक है। यानी कि कुछ एक दो घंटे का जो कि टाइम लेती है फुल चार्ज होने में, तब तक आपको इसको देखते रहना पड़ेगा कि फुल चार्ज हुई है कि नहीं। जैसी फुल चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पर चार्ज लिखा जाएगा। और अब मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो कि इसके वाटर प्रूफ की, तो फ्रेंड्स आपको ये वाटर प्रूफ नहीं मिलती है, ये वाटर रेजिडेंस मिलती है, ठीक है। यानी कि आपको अगर इसके ऊपर जो कि बारिश में आप चले जाते हो इसको पहन कर, या फिर उसके अलावा जो कि आप हाथ धो लेते हो कभी भी, ठीक है, तो ये जल्दी खराब नहीं होगी क्योंकि वाटर रेजिडेंट है। IP68 इसको रेटिंग मिली हुई है जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर वाटर प्रूफ की, तो यहाँ पर मैं चलिए आपके सामने थोड़ा रिस्क लेके इसको मतलब दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये वाटर प्रूफ भी है कि नहीं, ठीक है, जो कि मेरे को भी पता चल जाएगा। तो चलिए आपके लिए मैं इतना सा तो रिस्क ले ही सकता हूँ, ठीक है। तो लाइक तो इतना बनता ही, लाइक करते हुए चलना यार, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो अब इसमें म्यूजिक जो कि ऑन है और अपन इसको म्यूजिक के साथ में अंदर देने वाले हैं पानी के अंदर, ठीक है, देखते हैं वर्क करता है कि नहीं, ठीक है। तो म्यूजिक यहाँ पर देख सकते हो चल रहा है, आपको इसकी वॉइस अभी भी आ रही होगी, ठीक है, मतलब बिल्कुल जो कि साउंड बाहर तक आ रहा है और जो कि वाटर के अंदर है, इतना इतना जो कि इस बाउल में वाटर है, ठीक है। ये आपको बस स्मार्टफोन में डिटेक्ट नहीं हो पा रहा होगा यानी कि रिकॉर्डिंग में कि कितना भरा हुआ है, लेकिन ये लगभग आधे से ज़्यादा इसमें वाटर है, ठीक है। तो काफ़ी अंदर तक ये भीगी हुई है, तो देख सकते हो इतना इतना लगभग पानी था, इतने अंदर पानी के डूब चुकी है, ठीक है, लेकिन तब भी वर्क कर रही है और अभी भी मतलब इसमें से स्पीकर में से आवाज़ आ रही है, ठीक है, स्पीकर प्रॉपरली वर्क कर रहा है, देख सकते हो। तो इस तरीके से मतलब ये साउंड मतलब काफ़ी क्लियर दे रहा है, वो थोड़ा पानी अंदर चला गया तो वो निकल भी चुका बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब साउंड बिल्कुल क्लियर आ रही है बाहर भी, ठीक है। तो वाटर रेजिडेंस तो है ही, उसके अलावा वाटर प्रूफ भी इसको मैं बोल ही सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने तो क्लियर हो चुका है कि हाँ ये मतलब वाटर में खराब नहीं हुई है। टच वगैरह भी रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छे से कर रहा है, ऐसा नहीं कि टच भी छोड़ गया होगा। तो वीडियो एंड करने से पहले यहाँ पर इस स्मार्ट वॉच की और भी कमियों की मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो स्मार्ट वॉच है उसकी कंपनी क्लेम करती है कि 7 डेज तक बैटरी बैकअप होने वाला है, लेकिन ऐसा यहाँ पर मैं बात करूँ तो मैंने इसको हार्डली यूज़ किया तो इसकी बैटरी लगभग 2 से 3 दिन ही चली, क्योंकि उसमें ब्लूटूथ कॉलिंग होती है, नॉर्मली म्यूजिक वगैरह भी अपन स्मार्ट वॉच से सुन ही सकते हैं, तो उसकी वजह से इसकी बैटरी जल्दी कंज्यूम होती है। लेकिन अगर यहां पर इसको नॉर्मली आप यूज करोगे बिना ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह तो हो सकता है इसकी बैटरी 7 डेज से ज्यादा भी चल जाए, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो यहां पर जो कि ये मैंने सेल पे परचेज की थी तो यहां पर मेरे को ये पड़ गई थी 1799 यानी कि 1800 रुपए की मेरे को पड़ गई थी, ठीक है। और उसके अलावा बात करते हैं यहां पर अगर आपको ये परचेज करनी है तो भाई इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इसे आसानी से परचेज कर सकोगे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं इस स्मार्ट वॉच को किसी और स्मार्ट वॉच से कंपेयर करो जो कि इतने ही बजट में आती हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं जल्दी आपके लिए कोई कंपेयर वीडियोस बिल्कुल बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी, स्मार्ट वॉच कैसी लगी वो तो आप कमेंट करके बताओगे, अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर बताना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर जरूर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप पे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।